हम कोई सत्ता पाने के लिए रात को राज्यपाल को उठा के सुबह सत्ता पाने के लिए ऐसे दुष्कर्म नहीं करते हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई असूलों की लड़ाई है। और मैं आप लोगों के सामने इस मंदिर के प्रांगण में खड़ा होके, क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है लोरा बस्ती की, ये एक मंदिर का प्रांगण है, और यहां पर खड़ा होके एक शिक्षक आपसे कुछ बात करेगा। मैं चाहूंगा अगर आपके पास मोबाइल फोन हो तो इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यही बात मेरे लिए एक वचन पत्र हो, आपका आदेश पत्र हो। और अगर मैं इन चार बातों को पूरा करता हूं और आपको लगता है कि मेरी आंखों में सच्चाई है, मेरी बातों में सच्चाई है, तो मैं आपसे भी एक वचन चाहूंगा। मेरी पहली बात साथियों, यहां पे इतने बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे इस बस्ती का भविष्य है। यहां पर नौजवान खड़े हैं, ये नौजवान इस बस्ती को आगे ले जाने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, और शिक्षक होने के नाते एक चीज बताता हूं, दुनिया का कोई भी समाज, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के अपने जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। मेरा आपसे वादा है लाल गोविंद जी, मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि विधायक बनने के बाद इस बस्ती में विद्यापति नगर में एक ऐसा सरकारी स्कूल होगा जहां पे प्रवेश लेने के लिए राजू गिरी जी के पास, लोरा जी के पास पैरवी करवाने लोग आएंगे। ये मेरा आपसे एक वादा है, क्योंकि बिना शिक्षा के साथियों, ना तो मैं आज तक कुछ आगे बढ़ पाया, ना आप बढ़ पाओगे, ये चीज आप समझ लेना। शिक्षा के क्षेत्र में ही मेरा दूसरा वादा आपसे ये है कि जो ये नौजवान खड़े हैं, इन नौजवानों से मैं पूछता हूं कि आप अगर 12वीं कक्षा पूरी कर लेते हैं तो क्या एक जमशेदपुर में एक भी अच्छा कॉलेज है जहां जाके आप बीए बीकॉम बीएससी की डिग्री हासिल कर पाओ, जहां जाके बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद आप लोगों को कोई नौकरी मिले, ऐसा कोई कॉलेज है क्या? क्यों नहीं है? आपको यह सवाल अपने जनप्रतिनिधि से पूछना पड़ेगा, आपके नेताओं से पूछना पड़ेगा कि दुनिया में पहले 25 बड़े शहरों में जमशेदपुर का नाम है, और हमारे बच्चे बीए बीकॉम बीएससी करने ट्रेनों में भर भर के भुवनेश्वर, रांची, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, पुणे, बंबई क्यों जाते हैं? मैं आपसे इस मंदिर प्रांगण में खड़ा होके वादा करता हूं कि विधायक बनने के 5 साल के कार्यकाल में पूर्वी जमशेदपुर में एक ऐसा कॉलेज खोलूंगा जो एक विश्व स्तरीय कॉलेज होगा, जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, मेरी लड़ाई विकास और विनाश की लड़ाई है। हम विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे जिनके बच्चे, जिनके भतीजे मुक्केबाजी करते हैं। हम आपके विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उनके भतीजे विधायक प्रतिनिधि को इतना पीटते हैं कि पुलिस भी है उनसे ना, पुलिस को भी शर्म आ जाती कि इतना क्या मारा इसको। हमारी लड़ाई विकास और विनाश की लड़ाई है। हमारा दूसरा एजेंडा, और ये मेरा वचन पत्र है, यहां खड़े होके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, राधा गोविंद के मंदिर में खड़ा होके बोल के जा रहा हूं। आपसे मैं पूछता हूं, लोरा बस्ती के लोगों से पूछता हूं, अगर आपको कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए, क्या आप एमजीएम अस्पताल जाके इलाज करवा सकते हो क्या? अगर आप वहां एक बीमारी का इलाज करवाने जाओगे तो साथ में वापस आते हुए आपको 3 बीमारियां वो अस्पताल दे देगा। मैं आपसे वादा करके जाता हूं साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस बस्ती में,
मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि मेरे विधायक काल के 5 साल में एमजीएम अस्पताल को एक विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का वादा आपका ये भाई बेटा आपका ये छोटा दे पुत्र करके जा रहा है। मेरा तीसरा वादा, और साथियों इस वादे को याद रख लेना, मैं पिछले 20 साल से जमशेदपुर के एक और जमशेदपुरी क्या एशिया के एक प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेसर हूं, XLRI जुबली पार्क के जो पास में है। साथियों जब भी अखबार में पढ़ता हूं, राजू गिरी जी जब अखबार खोलता हूं उस दिन एक न्यूज, कोई दूसरी हो या ना हो, पर एक न्यूज मालिकाना की जरूर होती है। कुछ लोग मालिकाना के नाम पे पिछले 25 साल से आपको ठगने का काम कर रहे हैं, मालिकाना के नाम पे अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि अपने विधायक कार्यकाल के 5 साल में ये मालिकाना की राजनीति हमेशा से बंद हो जाएगी, क्योंकि घर घर हमारे नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता घर घर मोदी जी की पर्ची बांटने नहीं आएंगे, आपको मालिकाना के कागज देने आएंगे। साथियों मैं आपसे पूछता हूं, और एक पत्रकार ने मुझसे परसों पूछा था कि सर आप मालिकाना दे रहे हो, देने का वादा कर रहे हो, विधायक बनने के 10 दिन के अंदर मालिकाना की कार्रवाई चालू करने की प्रतिज्ञा ले रहे हो, सर ये इतना इजी था तो ये माननीय मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं किया, ऐसी क्या प्रॉब्लम उनको आ गई थी। मैंने उसको कहा कि जिस व्यक्ति को इस बात का भी कंफ्यूजन हो, जिस व्यक्ति के मन में इस बात का भी संदेह हो कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है कि फुटबॉल का खिलाड़ी, वो मालिकाना की फाइल क्या पड़ेगा। जिस व्यक्ति को लगता है, अरे इन छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की आन बान शान क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, भारत के मशहूर विकेट कीपर रहे हैं, पर जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री को लगता है महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर नहीं गोलकीपर है, तो जिन लोगों के मन में यह संदेह है वो मालिकाना की फाइल कैसे पढ़ सकते हैं, क्या वो पढ़ सकते हैं क्या मेरे साथियों? और अगर पढ़ेंगे भी तो पहली लाइन पढ़ने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि दिमाग इतना गर्म हो जाएगा। साथियों मेरा चौथा वादा याद रखना, इस मंदिर श्री कृष्ण मंदिर के प्रांगण से बोल के जा रहा हूं। साथियों इन नौजवानों को, यहां के लोरा बस्ती के लोगों को क्यों ठेका मजदूरी मिलती है, मेरा सवाल है, इनको क्यों ठेका मजदूर बनाया जाता है, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए के मासिक वेतन पे ठेका मजदूरी, क्या इनका भाग्य यही है, क्या इनके जीवन में यही लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि पिछले 25 साल में जमशेदपुर में एक रुपए का भी नया निवेश नहीं हुआ, बल्कि पुरानी कंपनियां बंद कराई गई, भले ही वो केबल कंपनी हो, टायो हो, एग्रिको हो, और लेटेस्ट नवीनतम डाटा तो ये है कि टाटा हिताची हमारे शहर से खड़गपुर चले गई। मेरा आप लोगों से वादा है कि ये सारी बंद पड़ी हुई कंपनियों को वापस खोला जाएगा, जहां आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके बेटों को रोजगार मिलेगा, आपके भाइयों को रोजगार मिलेगा। और तो और आदित्यपुर में जो पिछले 4 महीने में 700 कंपनियां बंद हुई, 30,000 लोगों ने अपनी नौकरी गवाई, वहां पे वापस काम चालू होगा। ये आपका विधायक, आपका भाई अपने कार्यकाल में पूरा करके मानेगा। साथियों ज्यादा लंबी बात नहीं है और ये नामुमकिन भी नहीं है, मेरे पास हर जवाब है, उनका हर सवाल का जवाब है। पिछले 9 दिनों से मैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों से, ध्यान है ना, दो प्रत्याशी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं,
एक तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी और एक भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ प्रत्याशी जो छुप के बैठा है बीजेपी की गोद में। मैं पिछले 9 दिनों से उनसे 9 सवाल पूछ चुका हूं। मैं उनसे हर सवाल में जमशेदपुर की बदहाली का कारण पूछता हूं, ना तो अधिकृत प्रत्याशी ने जवाब दिया, ना छुपे हुए प्रत्याशी ने जवाब दिया। आज एक और पूछूंगा, कल एक और पूछूंगा, 11 सवाल पूछने के बाद 1 दिसंबर को मैं उन सब सवालों को मैं कैसे हल करूंगा सर, उसका जवाब जमशेदपुर की जनता के सामने रख दूंगा। अगर आपको अपने इस बेटे पे भाई पे एतबार है कि ये शिक्षक मंदिर प्रांगण में खड़ा होके 4 वचन लेके जा रहा है, तो 1 वचन मैं भी चाहूंगा आपसे, और वो वचन ये है कि अभी से, इसी क्षण से, इसी समय से आपको पूरी बस्ती में प्रोफेसर गौरव वल्लभ बनके, राजू गिरी बनके, सोनिया गांधी बनके, हेमंत सोरेन बनके घूमना पड़ेगा और हमारी बात को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपका प्रत्येक व्यक्ति जो यहां बैठा है वो अगर 10 घर में हमारी बात पहुंचा देगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दोनों अधिकृत और छुपे हुए प्रत्याशी को हम उखाड़ के फेंक देंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं कि जब सोनिया गांधी, शिबू सोरेन, लालू यादव जब एक हो जाते हैं, तो क्या आप 200 प्रत्याशी उतार दो, हम सबको उखाड़ के फेंक के रांची पहुंच जाएंगे। आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। साथियों, अगर आपको मेरी 4 बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मालिकाना हक के जो मैंने अपना वादा किया उस पे एतबार है, तो मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। ये मेरी दिल की इच्छा है और वो इच्छा ये है कि जब मैं विधायक बन के रांची जाऊं और विधायक दल की बैठक हो संयुक्त रूप से, तो आपका ये भाई सबसे पहले हेमंत सोरेन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नाम प्रपोज करे। ये मेरी एक दिल से इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे वचन से संतुष्ट हो, आपको मेरे आंखों में सच्चाई दिखती हो, तो मेरी ये इच्छा जरूर पूरी कर देना। और अगर ये इच्छा पूरी मेरी कर दोगे, तो पिछले 19 साल से जो झारखंड के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, 19 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, जिसमें से 14.5-15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहां पे, तो पिछले 15 साल से झारखंड के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों को पीटा जाता है, आप अपने अधिकारों को मांगने मुख्यमंत्री के द्वार जाते हो तो बोला जाता भागो यहां से, भागो यहां से। अब आपको वापिस जवाब देना है, वो अपनी पर्चियां लेके अगर आपके घर आए तो बोलना भागो यहां से, भागो यहां से। आपको इस चीज का जवाब देना है। अगर आपने ये जवाब दे दिया साथियों, तो झारखंड के प्रत्येक हाथ को रोजगार मिलेगा, प्रत्येक बहन को स्वाभिमान मिलेगा, प्रत्येक मूलवासी को उसका हक मिलेगा। अरे जब हम मालिकाना की बात करते हैं, मालिकाना मांगते हैं, तो कोई भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं, और आपको आपका अधिकार यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति देगा। आपके घर घर आपका अधिकार पहुंचाना हमारा काम है। और साथियों, एक बहुत बड़ी बात मंदिर के प्रांगण से कह के जा रहा हूं, क्योंकि मेरे 2 और चुनावी प्रोग्राम है, और राजू गिरी जी को मैं ये अभी 4 क्षेत्रों का चुनावी दौरा करके आए, मैं जबरदस्ती इनको घर से लेके आया हूं। अगर आपको हमारी बातों पर एतबार है, अगर आपको लगता है कि ये 2 प्रत्याशियों को, सोनिया गांधी, शिबू सोरेन और लालू यादव का प्रत्याशी, और राजू भैया ना केवल वोट में, अगर दोनों प्रत्याशी कुश्ती भी करना चाहे तो आपका भाई उनको चित कर सकता है एक साथ। अगर आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति की आंखों में सच्चाई है,
तो अभी से चालू हो जाना दोस्तों, और अगर आप चालू हो गए तो ये दोनों अहंकारियों का अहंकार को नष्ट करते हुए झारखंड को एक विकसित राज्य में लाने, जय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक झारखंड को खुशहाल प्रदेश बुलंद झारखंड बना के मानेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उन लोगों को सबक जरूर सिखाना जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और जिनके कार्यकाल में 14 लोग भूखमरी से मर जाते हैं। आपको याद है ना, 5 महीने पहले संतोषी देवी भात 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 कहती भी चल बसी, पर हमारे जो छुपे हुए प्रत्याशी है उनके डिपार्टमेंट में वो महिला की मृत्यु होती है, पर उनको नैतिकता याद नहीं आई कि मैं इस्तीफा दूं। वो उस दिन भ्रष्टाचारी सरकार के साथ खड़े थे। जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनसे आप हिसाब मांगिएगा 5 साल का, और यहां के विधायक से 25 साल का हिसाब मांगिएगा, और 25 साल का हिसाब मैं तो रोज मांगता हूं। जितने ट्रिलियन में जीरो होते हैं उतने ही जीरो उनको मैं रोज देता हूं।